दोस्तों स्वागत है आपका नॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप इनकम टैक्स के डिमांड को कैसे रिमूव कर सकते हो खुद, यानी आपको किसी कोई हेल्प की जरूरत नहीं। आप इस वीडियो को देख के आप खुद अपने जो भी आपकी डिमांड है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, इनकम टैक्स इंडिया फाइलिंग की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ इसे ओपन करना है। जैसे ही आप इंडिया ई फाइलिंग वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपको यहीं पे ही दिखा देगा कि आपको कैसे अपने खुद के आउटस्टैंडिंग जो भी आउटस्टैंडिंग टैक्स की डिमांड है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी क्या चाहता है कि आप खुद उसे रिमूव कर सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले आपके स्क्रीनशॉट पे दिखाया हुआ है, इसमें आपको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की जो वेबसाइट है वहां पे जाके आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप वहां पे लॉगिन करोगे तो वहां पे रिस्पॉन्डिंग टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे आपको वहां पे जाके क्लिक करना है। जहां पे ई फाइलिंग का मेन्यू है वहां उसके नीचे आउटस्टैंडिंग डिमांड का आपको दिखाएगा। अभी मैं करके आपको दिखाऊंगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये डिमांड सही है तो आप उसको पेड कर सकते हैं, वहां से पे का ऑप्शन आपके पास आएगा। अगर आपको लगता है नहीं ये डिमांड सही नहीं है तो आप उसकी रिप्लाई दे सकते हैं वहीं से। आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपको उसके एक्नॉलेजमेंट आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगी। चलो दोस्तों हम करके भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूं। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया खुद को तो आप मेरे एक वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल में मैंने खुद डाल दी है। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे भी दे दूंगा, वहां से भी आप उसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, इसको आप स्किप कर दीजिए। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा ई फाइल के नीचे रिस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। अगर आपकी कोई भी डिमांड होगी तो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आपको क्या करना है, जैसे ही लॉगिन करोगे तो ई फाइल में ई फाइल के नीचे रिस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे। अभी मेरे यहाँ पे कोई डिमांड नहीं है तो मैं आपको करके दिखा देता। तो यहाँ पे आपकी डिमांड दिखाई होगी और यहाँ पे आपको होगा उसका रिस्पॉन्स जो आपको सबमिट पे जाके क्लिक करना होगा। अगर आप एग्री हैं तो जब आप सबमिट करोगे तो वहां पे आपको दिखाएगा कि आप एग्री हैं या नॉट एग्री है। अगर एग्री हैं तो आपको टैक्स पेड करने का ऑप्शन यहीं पे मिल जाएगा। अगर आप एग्री नहीं है तो आपको वहां पे उसका रिप्लाई देना पड़ेगा, विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसका रिप्लाई दे सकते हैं। तो ऐसे आप खुद किसी सीए के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, खुद आप इसको यहाँ से उसकी जो भी आपके पास नोटिस है उसका यहाँ से आप रिप्लाई दे सकते हैं। ओके दोस्तों थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।